hello students welcome to biology world i'm priyanka shoran in the previous video we have discussed about structure of an prokaryotic cell and today we'll talk about eukaryotic cell eukaryotic cell or the cell which have a true nucleus and all the cell organelles so first if we are talking about the cell organelles then first of all it's outer membrane it's protective membrane that is known as plasma membrane इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं इसको सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और इसे हम लोग यूनिट मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं तो जो आउटर कवरिंग है अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में तो ये एक ही कवरिंग होगी अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो सेल वॉल भी पाया जाता है सो so, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये टर्म किसने दी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टर्म दी थी नगेली और क्रैमर ने इन द ईयर 1855। फिफ्टी फाइव प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो टर्म है जो हम यूज़ करते हैं ये टर्म ये दी थी नगेली और क्रैमर ने 1855 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग थिन इलास्टिक फ्लेक्सिबल और प्रोटेक्टिव है क्या कह रहे हैं कि लिविंग है ठीक है थिन है पतला है फ्लेक्सिबल है इलास्टिसिटी शो करता है और प्रोटेक्टिव है नेचर में मतलब ये प्रोटेक्शन करता है इवन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल की सेल को शेप भी प्रोवाइड करता है ठीक है तो ये इसके हम फंक्शंस में कह सकते हैं या ये इसके हम कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे नेक्स्ट है इसकी कंपोजिशन कि भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बना हुआ है पहला लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बना हुआ है और लिपिड्स के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक फ्लूड नेचर मिलता है कैसा नेचर मिलता है फ्लूड सेमी सॉलिड जिसको कह सकते हैं विस्कस जिसको कह सकते हैं गाढ़ा सा नेचर किसको मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और ये जो लिपिड्स हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लिपिड है दैट इज फोर्सफो स्पेशली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करता है और ये जो फोस्फोलिपिड है ये एम्फियटिक होता है नेचर में मतलब क्या है कि इसके अंदर दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट तो ये जो हेड है ये आपको ये जो नजर आ रहा है ये हेड है एंड इट इज हाइड्रोफिलिक हेड वॉटर लविंग और ये जो टेल जो है ये है हाइड्रोफोबिक पार्ट वॉटर हेटर्स तो टेल कैसी है हाइड्रोफोबिक है और जो हेड है वो कैसा है हाइड्रोफिलिक और इसी ड्यूअल नेचर से मतलब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिपिड है वो बना हुआ है Eukaryotes में लिपिड्स के साथ कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं जिनको हम कोलेस्ट्रोल कहते हैं और ये कोलेस्ट्रोल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं लेकिन यही कोलेस्ट्रोल आपको प्रोकैरियोट्स में नजर नहीं आएंगे तो ये जो कोलेस्ट्रोल है ये प्रोकैरियोट्स में एबसेंट होते हैं और सिर्फ और सिर्फ यू में ही प्रेजेंट रहते हैं तो लिपिड के दो पार्ट हो गए हेड पार्ट और टेल पार्ट हेड कैसा है वाटर लविंग दैट इज हाइड्रोफिलिक वाइल जो टेल है वो कैसी है हाइड्रोफोबिक कि वाटर को वो रिपेल करते हैं तो पोलर और नॉन पोलर पार्ट इसके हो गए नेक्स्ट जो सेकेंड कंपोजिशन है वो है प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तीन तरह के प्रोटीन्स होते हैं पहला प्रोटीन जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है उसको कहेंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स सेकेंड प्रोटीन जो ट्रांसपोर्टेशन करता है जो सब्सटेंस की मूवमेंट में सेल के अंदर सेल से बाहर जो मूवमेंट में हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है उन्हें हम कहेंगे कैरियर प्रोटीन्स तो कैरियर प्रोटीन्स कौन से हैं जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जो एंजाइमेटिक होते हैं मतलब जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम कहेंगे एंजाइमेटिक प्रोटीन्स ना ऑन द बेस ऑफ एक्सट्रेक्शन कि हम एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्रोटीन्स को कैसे निकाल सकते हैं आसानी से निकाल सकते हैं या डिफ़िकल्टी होती है उनके एक्सट्रक्शन में हम प्रोटीन्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं पहला है इंटीग्रल या इंट्रेंसिक प्रोटीन्स ये वो प्रोटीन्स हैं जिनको बहुत डिफिकल्टी होती है इनकी एक्सट्रैक्शन में और ये जो प्रोटीन्स हैं या तो कंप्लीटली या पार्शियली इम्बेडेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो इंटरनल या इंटीग्रल या इंट्रेंसिक जो प्रोटीन्स हैं ये या तो कंप्लीटली इम्बेडेड आपको कंप्लीटली धसे हुए मिलेंगे या फिर हाफ मतलब पार्शियली इम्बेडेड मिलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं इंटीग्रल जो आउटर सरफेस से लेकर इनर सरफेस तक मतलब जो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर से लेकर अंदर तक कंटिन्यू एक चैनल की फॉर्मेशन करते हैं और इसे कहते हैं टनल प्रोटीन क्या बोलेंगे टनल प्रोटीन फॉर एग्जांपल ग्लाइको प्रोटीन्स ये क्या करते हैं ये वाटर की मूवमेंट में हेल्प करेंगे ये जो टनल प्रोटीन्स हैं या कैरियर प्रोटीन्स इनको हम कह सकते हैं चैनल प्रोटीन्स इनको हम कह सकते हैं तो ये जो टनल प्रोटीन्स हैं ये क्या करेंगे ये वाटर की मूवमेंट में हेल्प करेंगे फॉर एग्जाम्पल ग्लाइको प्रोटीन तो क्वेश्चन आ जाता है वो कौन से प्रोटीन हैं जिनको बहुत मुश्किल से जिनकी एक्सटेक्शन में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है वो हैं इंटीग्रल मतलब बीच बीच में ये प्रेजेंट रहते हैं अगर सरफेस पे होते तो उनको आसानी से निकाल लिया जाता लेकिन ये इम्बेडेड रहते हैं कंप्लीटली या पार्शली तो इसके कारण इन प्रोटीन्स की जो एक्सट्रैक्शन है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है और इन्हें हम कहेंगे मतलब इनकी पोजीशन के हिसाब से हम इन्हें कहेंगे इंटीग्रल या इंट्रेंसिक और यही इंटीग्रल या जो इंट्रेंसिक प्रोटीन है अगर कंटिन्यूसली एक टनल बना रहे हैं तो उसे हम कहेंगे टनल प्रोटीन और ऐसे प्रोटीन जिनको हम आसानी से निकाल सकते हैं या जो सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं ऐसे प्रोटीन जो सरफेस पे प्रेजेंट रहेंगे या आउटर सरफेस पे या इनर सरफेस पे उन्हें हम कहेंगे एक्सट्रेंसिक या तो इन प्रोटीन्स को हम कर सकते हैं तो जिनको नहीं कर सकते जिनमें डिफिकल्टी फेस होती है दैट इज इंटीग्रल लेकिन जिनको आसानी से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो कहलाएंगे पेरीफ्रल या एक्सट्रेंसिक इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल मतलब प्रोटीन के साथ या लिपिड्स के साथ इनकी कंपोजिशन प्रेजेंट होती है मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं लाइक ग्लाइको प्रोटीन ग्लाइको लिपिड्स तो ये क्या है ये कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं तो ये इस क्या हो गई इसकी कंपोजिशन जिसमें लिपिड है मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है लिपिड से प्रोटीन से अगर हम यूकैरियोट की बात करेंगे तो उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होगा अगर प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा एंड देन कार्बोहाइड्रेट नाउ विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट टाइप के मॉडल्स आए जिनमें पहला जो मॉडल था दैट वॉज लेमिलर और सैंडविच मॉडल फर्स्ट मॉडल जिसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब किया अच्छा ये बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे डिस्क्राइब किया कैसे पॉसिबल हुआ इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अच्छे से डेवलप हो गए इनका इन्वेंशन हो गया उसके बाद सेल ऑर्गेनलीज को स्टडी करना आसान हो गया और इसी के कारण सबसे पहला जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सबसे पहले डेनली और डेक्सम ने 1935 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया और इन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सैंडविच की तरह नजर आता है सैंडविच की तरह क्योंकि इसके अंदर चार लेयर्स हैं जिनमें दो लेयर्स प्रोटीन की है और दो लेयर्स लिपिड्स की है ठीक है लिपिड की बाई लेयर लिपिड एंड बाई लेयर प्रोटीन अब इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया किसने डिस्कार्ड कर दिया रॉबर्टसन ने और रॉबर्टसन ने 1959 में एक नया मॉडल दिया दैट वाज यूनिट मैमब्रेन मॉडल और इन्होंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ तीन ही लेयर प्रेजेंट है प्लाज्मा मैमब्रेन में दो प्रोटीन्स की और एक लिपिड की कि जैसे ये लिपिड्स प्रेजेंट हैं और इन लिपिड्स के बाहर आउटर सरफेस में प्रोटीन प्रेजेंट। तो टोटल जो यूनिट मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस थी 75 फाइव जिसमें जो हमारे लिपिड्स हैं वो इकलौते हैं 35 फाइव के और प्रोटीन्स की जो पेरिफ्रल मेम्ब्रेन है वो है 20 एमस्ट्रोंग की मतलब इन्होंने कुछ कुछ अंदाज़ा सही सही स लगाया कि थ्री लेयर्स प्रेजेंट हैं बट इन्होंने कहा कि लिपिड की सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट है उसके बाद 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो मॉडल दिया जिसको हम आज तक पढ़ते आएँ फ्लुइड मोजाइक मॉडल फ्लूड मतलब लिक्विड मोजाइक का मतलब होता है पैचेज में प्रजेंट रहता है और इसमें इन्होंने कहा कि भाई जो यूनिट मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 75 फाइव ही उसकी थिकनेस है लेकिन यहाँ पर जो लिपिड्स की बाई लेयर प्रजेंट होगी और इन लिपिड्स की बाई लेयर में कहीं कहीं जैसे जो आइसबर्ग्स होती हैं सी में वैसे ही इस लिपिड के सी में जो प्रोटीन है वो एक आइसबर्ग की तरह प्रेजेंट रहते हैं जिसमें कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं और कुछ एक्सटर्नल या पेरीफ्रल प्रोटीन्स हैं तो इन्होंने जो मॉडल जो सिंगर और निकोलसन ने जो मॉडल दिया था फ्लूड मोजाइक मॉडल उसको हम पढ़ते आ रहे हैं ये क्या है दिस इज द हाइड्रोफिलिक हेड ये जो टेल्स हैं जो लिपिड की बाईलेयर है कैसा है लिपिड बाई लेयर और इस लिपिड की बाई लेयर में जो टेल है वो एक दूसरे को फेस कर रही है और टेल कैसी है हाइड्रोफोबिक ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है दैट इज हेड एंड दिस इज द टेल ऑफ द फोस्फोलिपिड्स उसमें बीच बीच में कहीं कहीं आइसबर्ग की तरह क्योंकि इन्होंने ये टर्म यूज की थी दैट प्रोटीन आर लाइक आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड्स कि जो और ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि ये जो टर्म है ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी थी और कौन से मॉडल में दी थी तो क्या कहा इन्होंने कि प्रोटीन्स आर लाइक आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड्स तो ये प्रोटीन्स हैं जिसमें कुछ ये इंटीग्रल हो गए ये टनल प्रोटीन हो गया ये एक्सटर्नल या एक्सट्रेंसिक या पेरिफ्रल प्रोटीन्स हो गए ठीक है तो ये किसका स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है फ्लूड मोजाइक मॉडल का जिसको आज तक हम पढ़ते आए हैं मतलब जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना सीधी लाइन सी ड्रॉ कर देते हैं तो ये कैसा होता है ये इस तरह का नजर आएगा जब हम इसको माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे ठीक है जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का ये नजर आएगा जिसमें बीच बीच में कहीं कहीं प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे और इसके सरफेस पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे इसके सरफेस पे क्या होंगे कुछ रिसेप्टर्स होंगे अब इन रिसेप्टर्स का क्या काम है ट्रांसपोर्टेशन का क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है ट्रांसपोर्टेशन करना भाई सेल से कोई भी चीज़ बाहर जा रही है एग्जोसाइटोसिस हो रहा है सेल के अंदर कोई चीज़ आ रही है इंडोसाइटोसिस हो रहा है कोई भी चीज़ अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जा रही है ज अपेसि ट्रांसपोर्ट या अपने लोअर से हायर कंसेंट्रेशन में जा रही है दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सिंपल जिसको हम डिफ्यूजन कहेंगे अगर वही डिफ्यूजन प्रोटीन की हेल्प से हो रहा है तो फैसिलेटेड डिफ्यूजन इन सबको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है तो ये सारी चीजें आपको ये जो प्लाज्मा मेम्रेन का स्ट्रक्चर है अच्छे से समझ में आ गया होगा देखो ट्रांसपोर्ट की बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस डिफ्यूजन फेसिलेटेड डिफ्यूजन ये सारी जो टर्म्स हैं वो अलग टॉपिक में आती हैं टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट में आती हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सो दैट्स इट फॉर टुडे इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू